हेलो फ्रेंड्स, मैं ना मुकेश राणा में बात करने वाला हूँ महिंद्रा अल्फा सीएनजी थ्री व्हीलर के बारे में, जो कि हमें कार्गो एंड पैसेंजर वेरिएंट के अंदर जो है हमें देखने को मिलेगी। मेरे जो महिंद्रा ब्रांड है उसने अपनी जो अल्फा सीएनजी थ्री व्हीलर है उसका कार्गो एंड पैसेंजर वेरिएंट जो कि ऑफिशियली इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है। मैं बात करने वाला हूँ कि फ्रेंड्स इसके अंदर हमें किस तरह का प्राइसिंग, फ्यूचर्स, वेरिफिकेशन एंड और भी हमें किस तरह की डिटेल्स देखने को मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले अगर मैं इसके प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड जो न्यू अल्फा सीएनजी पैसेंजर वेरिएंट जो कि हमें 2,57,000 एक्सोरूम प्राइसिंग के साथ जो हमें देखने को मिलेगा एंड इसका जो कार्गो वेरिएंट है जो कि हमें एंड 2,57,800 रुपीज एक्सोरूम प्राइसिंग के साथ ही जो हमें देखने को मिलेगा। एवं जो दोनों वेरियंट्स है फ्रेंड ये हमें 40.2 kmpl के माइलेज के साथ जो हमें इसका पैसेंजर वेरिएंट जो कि हमें अल्फा डीएक्स के नाम से देखने को मिलता है वो देखने को मिलेगा। एंड इसके अंदर हमें जो अल्फा लोड प्लस मतलब जो कार्गो वेरिएंट है जो कि हमें 38.6 kmpl की माइलेज के साथ जो हमें देखने को मिलेगा। एंड अगर मैं इसके इंजन ऑप्शन के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड इसके अंदर हमें 395 सेंटीमीटर का हमें वाटर कूल इंजन ऑप्शन जो है हमें देखने को मिलेगा, जो कि हमें बेस्ट इन सेगमेंट 23.5 एनएम टॉर्क के साथ जो है हमें देखने को मिलने वाला है। एंड फिलहाल तो इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन जो है रिवेल्ड हुई थी फ्रेंड, और भी अगर इसके बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती है तो जल्दी मैं आप लेकिन नया वीडियो लेके आऊँगा। एंड फ्रेंड इसी तरह से अगर आपको हमारे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हो तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अंदर हर ऑटोमेटिव वीडियोज़ की अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिले। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।